मजाक मत करो मैडम जी, इधर डालो मेरा कोई चुराली पैसा। जी वो देखो सर, वो देखो कैसे छुपानी है मैडम ने दोनों सिक्के। ये देखो यहाँ पे है फायर पान। ओ माय गॉड, अभी बहुत है, अभी पार्टी शुरू हुई है। ओ अभी पार्टी शुरू हुई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो गया संडे और ये पकड़ लिया डांट, मुझे निकालना भाई नहीं निकल रहा है। और आज है संडे और ये देखो क्या हुआ, अभी ये मास्क मेरा अटक गया गाड़ी के उसमें, सॉरी थैंक यू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं, क्योंकि संडे है तो संडे को थोड़ा सा फैमिली टाइम मिलता है, बाकी दिन तो मिलता नहीं है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं घूमने जाने के लिए, मतलब दिल्ली में ही जा रहे हैं। यहाँ पे चौकी हवेली, चौकी हवेली करके, चौकी रानी का ना कॉपी करके एक नोएडा में बना है, तो बेसिकली हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी खाना पीना खा लेंगे, बाकी जाके आपको दिखाते हैं कि कितना राजस्थानी कल्चर को उन्होंने वहाँ पे कैप्चर किया है। सो पहुँचती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो अभी जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वो नोएडा में बताई आपको, मुझे हो गया दिल्ली में 10 साल हो गया, 10 ईयर में मैं पहली बार नोएडा जा रही हूँ। मैं आज तक नोएडा नहीं गई हूँ, दिल्ली गुड़गांव हर जगह घूमी हूँ लेकिन नोएडा नहीं गई हूँ, तो पहली बार नोएडा जा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। वैसे एक दो जगह और हम लोगों ने देखा है नोएडा में जो कि अच्छा है। एक तो वो है कि NCR में आप स्नोक मजे ले सकते हो, कुछ वहाँ पे है मॉल है भूल गई ना, वहाँ भी जाऊँगी फिर आपको भी एक्सप्लोर करवाऊँगी अपने साथ साथ। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं राजस्थानी कल्चर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तीनों को देखो कैसे दुखी बैठा है, क्या हो गया? कुछ नहीं, चलो हम भी नहीं गए, तू भी नहीं गया? अगर हम ही नहीं गए तो मैंने बस, अरे तो हम ही नहीं गए तो तुम लोग कैसे जाओगे? मैंने बस आई लव नोएडा देखा है। अच्छा चलो आज लव कराते हैं। तो गाइस अभी मैं पहुंची हूँ चौकी हवेली में, जो कि नोएडा में आपको बताया ही। तो यहाँ पे आके जो सबसे पहले मैं कर रही हूँ वो मैं इस रथ पे घूम रही हूँ। तो अभी मैं टिकट का आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो फैमिली के साथ आना, बिकॉज अभी मुझे देख के लग रहा है कि फैमिली प्लेस ज़्यादा है। और जो टिकट की कॉस्ट होंगे वो 500 पर एडल्ट होंगे, और जो बच्चे अगर 9 ईयर से कम है तो उनका 350, और उसमें इंक्लूडेड होगा आपका डिनर विनर जो भी खाना इनका होता है वो इंक्लूडेड है, और कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि इंक्लूडेड है। उसके अलावा आप जो भी लोगे एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप करोगे तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो गाइज अभी मैं इंटर कर चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ पे इनका चौपाल पार्टी है, यहाँ पे ये लोग गाना गा रहे हैं बैठ के। अभी का अभी जब इनका फंक्शन स्टार्ट होगा तब मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इस साइड पे कुछ बैंगल्स वगैरह है, अच्छा लाख की चूड़ी है, यहाँ पे लाख की बैंगल्स है। अभी जो आज का पहला डिमांड आया वो ये है कि इसे कोल्ड कॉफी पीनी है, तो यहाँ पे इसका कोल्ड कॉफी बन रहा है। क्या है मसाज? पैर उसमें डाल दो, मछलियां पैर पे काट दो। अच्छा फिश स्पा है, 10 मिनट का 100, नाइस। तो इधर देखिए जो बैक साइड में मेरे ये फिश स्पा है, तो इसमें आप पैर डाल के बैठोगे और मछलियां जो है ना वो काट के मसाज करेगी आपका, जिसका कॉस्ट है 10 मिनट का 100 रुपया। अभी चलिए मैं आपको राजस्थानी डांस दिखा कर लाती हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे डांस हो रहा है रात में ना यहाँ पे, मतलब अभी ये स्टार्ट होगा इनका फंक्शन, मैं रात में भी आपको दिखाऊंगी लाइट में और जब अच्छा लगे। अभी देखिए सर आपके सामने कलाकार 5 मिनट के सर पर लेकर की गजल का प्रदर्शन कराते हुए इन गिलासों के ऊपर डांस करके बताया कि आपको एक बार कलाकार के लिए तालियां हो जाए सर। अभी आपके सामने कलाकार लोहे की कीलों पर किस प्रकार डांस करके बताएगा, थोड़ा समझ के लिए कलाकार। तो गाइस अभी मैंने आपको डांस दिखाया किस तरह से वो शीशे पे लोहे की कील पे और क्या कहते हैं कुछ तो था उस पे डांस कर रही थी। अभी चलिए मैं जादूगर दिखाती हूँ आपको जादू। हाँ मेरे हाथ में चीटिंग हो जाती है। हाँ मैं मैडम जी के हाथ में बना दू। आओ मैडम जल्दी पकड़ियो जरा यार, और मैडम जी चेक करो कितना कॉइन है। ठीक है, दो तो नहीं है, नहीं चिपके हुए तो नहीं है, नहीं ऐसे पकड़ लेना, 3 बार टच करना, मिट्टी लगाना, हाथ झड़काना और धीरे से तोड़ के 2 कॉइन बना देना। ओ भाई देखा मैडम,
कैसे कैसे बनवाना मेरे से दे दो ये दोनों कोई नहीं यहाँ से चले जाएंगे मैडम के पास और मैडम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो कैसे जा रहे हैं, चलो तू चलो मैडम के पास। उस डंडूरी मुर रही खुचड़ू दो मैडम जल्दी दो और दोनों कोई मैडम जी इस कटोर क्लोज करना मैडम जी दिखाना नहीं है किसी को दो मेरे को क्लोज कर लेना ओके। देखो कैसे जा रहे हैं मैडम के पास, चलो यहाँ से मैडम के पास। डूरी मुर रही खुचड़ू दो मैडम क्लोज कर लो और दोनों कोई इस कटोरे के ऊपर डाल दो मेरा डाल दो। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओ भाई कहाँ गया, मजाक मत करो मैडम जी, इधर डालो मेरा कोई चुराली पैसा डालो मेरा कोई रख लिया ये भी ना मत छोड़ना पैसा चेक कर लूंगा। ऊपर हाथ करो मैडम जी, वो देखो सर वो देखो कैसे छुपानी है मैडम ने दोनों सिक्के। मैं आगे आओ मैडम जी आगे आओ, मेरे हाथ में क्या है कुछ नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ा सा झड़काओ मैडम जी, मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, थोड़ा सा झड़का दीजिए। ऐसा काम मत करो बचपन की आदत नहीं छोड़ो मजाक कर रहा हूँ मैडम जी बुरा कल मैंने एक सर से बोल दिया था कि फूक मारो, वो मेरा भाषा नहीं समझे इतना सारा थूक दिया। ऐसा मत करना था, देखो कैसे जा रहा। चलो यहाँ से कटोरे उस कटोरी उड़ रही मारो फूक कलर चेंज कर दो बोलो ओपन करो सर जी, ओपन करके सबक को दिखा दो। हाँ पूरा क्या हो गया कलर चेंज हो गया क्या चीज है क्या आपका शुभ नाम तो गाइस अभी मैंने अपना हाथ दिखाया, उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो सच भी था और कुछ बातें मुझे थोड़ी ऑकवर्ड सी भी लगी, बट ठीक है मैं ज़्यादा ये सब नहीं मानती हूँ बट हाँ कभी कभी मान लेती हूँ। तो चलो अब आगे मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे और क्या क्या स्पेशल है। यहाँ पे कठपुतली का डांस होता है जो भी स्टार्ट नहीं हुआ स्टार्ट होता है तो मैं दिखाती हूँ। हम लोग घूम चुके हैं ऑलमोस्ट ये, अब यहाँ पे ये लोग देखो पीछे गेम खेल रहे हैं, पता नहीं कोई शूटिंग वूटिंग वाला गेम है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो सी दर पे मारो, अरे एक भी शॉट नहीं लग रहा है। चलो लगा 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 ये लगा। तो इसमें क्या है ना कि एक बॉल में ये सारा गिरना चाहिए तो ऊपर जो लगा है ना उसमें से कोई एक मिलेगा। देखते हैं हिमांशु इज्जत की बात है कर 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 मार मार देखते हैं भाई फेल होता है पास होता है तू डर रहा है ये देखो यहाँ पे है फायर पान। ओ माय गॉड नाइस। तो अब बस अपने को खाना पीना है, यहाँ पे सारा एंजॉयमेंट हो गया है, बहुत अच्छा जगह है, आप आ सकते हो फैमिली के साथ मजा आएगा, मतलब फुल एंजॉयमेंट है। बच्चे को लेके आओगे बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे मजा आएगा। तो अभी जाते हैं खाने में देखते हैं क्या क्या है।
भी दिखाते हैं क्या क्या मिला दिखाते हैं। यहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन बनवाड़ है। ओह माय गॉड, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बनाया नहीं है मैंने कभी, बट ये देख के अच्छा लगता है। तो बनाऊंगी नहीं, मुझे बस देखना अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, ये तो अंदर जाने के लिए पहले आपको यहाँ पे शू उतारना पड़ेगा खाना खाने जाने के लिए। तो यहाँ पे खाने का ऐसा वाला सीन है, पालथी मोड़ के बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप का। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जगह ढूंढ रहे हैं क्योंकि पूरा फुल दिख रहा है हमें। देखते किधर से मिलता है। जल्दी बैठने का स्पेस है, तीन ही है, नीचे बैठ। तो अभी यहाँ पे खाने के लिए हम लोग नीचे बैठ के खाने वाले हैं, पूरा राजस्थानी स्टाइल में हम लोग बैठे हुए हैं। इस साइड तीन खाली स्पेस, उस साइड देखे कैसा है, सुनो ना उस साइड देखते हैं कैसा है। क्यों मोहन गंदा कर रहा है, इधर ही बैठते हैं, इधर ही बैठते हैं, आ जाओ। ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, एकदम मस्त लग रहा है, मुझे इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैठ जाइए पे, ये फीलिंग आ रहा है कुछ कैसा वाला फीलिंग आ रहा है, राजस्थान वाला आ रहा है ना। तो ये हम लोग इधर पे बैठे क्योंकि वहाँ पे ना इकट्ठा जगह नहीं था, तो हम लोग इस वाले एरिया में आए। अरे यार चेयर पे मतलब ठंडा इधर ज़्यादा लग रहा है, एसी का हवा नहीं। अभी खाना आने वाला है, ये देखो ये हमारा खाना लग चुका है। ये है पनीर की सब्जी, ये पता नहीं कौन सी सब्जी, गट्टे की सब्जी, आलू प्याज की सब्जी, कढ़ी दाल बाटी और करी, ये लहसुन की चटनी, सांगरी का अचार, पूरी और ये दाल बाटी चूरमा जो मैं खा चुका हूँ। अभी और कुछ आएगा भैया, अभी बहुत है, अभी पार्टी शुरू हुई है। तो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मुझे मिल रहा है। अच्छा अभी पापड़ जलेबी, अभी बहुत आइटम बचा है, तो जैसे जैसे आता है मैं बताती हूँ। अभी कुछ और भी है, क्या है ये, हाँ हाँ ये दे दीजिए, मक्की की रोटी है, एक एक दे दीजिए दोनों को, मक्की की रोटी। तो ये मजा आ रहा है थाली देख के, एकदम पूरा देखो रेडी शो। अभी क्या आया, घी मिला है, मस्त खाना है। तो अभी टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ आपको टेस्ट कैसा रहा। देख के बहुत ही मस्त लग रहा है, कैसा है, मस्त एकदम। आप लोग आ सकते हो यहाँ पे आसपास रहते हो तो, बहुत ही प्यारा जगह है खाने के साथ साथ। तो जैसे जो अभी और खाना आएगा तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आता है, तब तक मैं खाना शुरू करती हूँ तो ठंडा हो जाएगा। देखो भाई की हालत, इसको बेचारे को सबसे ज़्यादा भरा है इसकी, किसी के थाली में भरा है। हमको देख के लगा ये लोग यंग है तो दे दिया है चाय। मत ना खा, छोड़ दे, खाएगा भी जिलप पर। ये बच्चों से भी नहीं खाया गया, मेरी भी थाली में रह गई, ये खा रहे हैं, ये खा रहा है। तो मेरी तो हो गई अब हालत खराब, खा खा के खाया नहीं जा रहा है और ज़्यादा। मतलब जो खाना खिलाने का तरीका इन लोगों का बिल्कुल, मतलब जो है ना राजस्थान वाला कल्चर, 75 केजी से कैसे भी कम, 75 का वो मेरा वेट फुल मान लो। तो इन लोगों का मतलब खिला भी रहना, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, ऐसे करके इतना खिला दिया है कि अब तो वे लग रहा है कि सो जाओ यहीं पे। तो मतलब पूरा बहुत ही अच्छे से ट्रेडिशन फॉलो किया हुआ इन लोगों ने राजस्थान में, जो कहते हैं ना गेस्ट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, वैसी वाली फीलिंग यहाँ पे आके आ रही है। तो अच्छा है ओवरऑल, बहुत शख्स भी है। अभी आई है जलेबी, मैं कह रही थी नहीं खाऊंगी, फिर भी ज़बरदस्ती उन्होंने दे दिया, केक तो खा के जाओगे, खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खाना हो गया। तो अभी निकल चुके हम लोग खाना पीना खा के, बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ था अंदर इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। क्या खेलना है, खेल लो, अभी भी इसका मन नहीं भरा है तो कह रहा है खेला नहीं मैंने और ये वो। तो निकल रहे अभी यहाँ से, 2 घंटे लगेंगे घर भी पहुँचने में, फिर वीडियो एडिटिंग करके भी तो डालनी है ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैं बहुत लेट वीडियो डालती हूँ। तो अभी घर पहुँचती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी, फिर सो जाऊँगी। अच्छा पहन के डांस करते हैं, कब करते हैं डांस, मतलब मैं ट्राई करूं, अच्छा घोड़ी बन जाते हैं इसमें। ओह माय गॉड, अच्छा ये पहन के डांस करना होता है। और गाइस खाना खाने में हम लोग जो खाना डिनर के लिए गए थे उसमें हमारा टोटल 6 घंटा चला गया,
6 घंटा लग गया, अभी हम 9:30 बजे घर पहुंचेंगे, मतलब पूरा ही टाइम चला गया। तो हम लोग इतने ज्यादा पेटू है ना कि खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, और सबसे ज्यादा पेटू ये है। सकली दिख रही है आज जो उसने हरकत करी है ना, मैं क्या ही बताऊं, बता दो आगे जो बैठी है सबसे बड़ा पेटू आज इतनी हरकत करी है। वो थाली आपको दिखाया था भाई, लगा था कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, सारा ही खा के आऊंगा, लेकिन शर्मा गया। उसके बाद थोड़ा सा छोड़ दिया था खाना, है ना हिमांशु, थोड़ा सा माफ कर दिया। दया आ गया कि यार सारा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा छोड़ना चाहिए। चलो घर पहुंच के मिलती हूँ आपसे। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और टाइम भी मतलब पहुंच आई तो मैं आधे घंटे पहले थी। फिर मैंने सोचा कि फटाफट चेंज वेंज करके फिर वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो अभी वीडियो की एडिटिंग भी मेरी हो चुकी है, बस अपलोड करना रह गया। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ। तो ठीक है गाइस, अच्छा सॉरी एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गई यार, आप लोग जो इतने प्यारे से कमेंट्स करते हो उसमें आपकी ब्लेसिंग होती है, केयर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे पढ़ के, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और क्या बताऊँ, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस वीडियो को ना मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल लाइक किए बिना मत जाना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।